दोस्तों 2013 में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे युजवेंद्र चहल, और उसके बाद उनको खिलाया नहीं गया था पूरे सीजन के अंदर। लेकिन जब चैंपियंस लीग हुई तो उसके अंदर उनको चांस मिला, और चैंपियंस लीग में उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की थी, और एक मैच में उन्होंने एक गेंद पर 2 रन बना के अपनी टीम को भी जिताया था, और मुंबई इंडियंस विजेता बनी थी चैंपियंस लीग की। उसके बाद 2014 में उनको आरसीबी ने चुना, और उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि 2 सीजन में उन्होंने लगातार आरसीबी की सबसे ज्यादा विकेट लिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते उनको इंडिया की टीम में भी सेलेक्ट किया गया 2015 के अंदर। और उसके बाद धोनी की कप्तानी और विराट कोहली कप्तानी में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, और उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में भी वो बने रहे। लेकिन 2022 के अंदर उनको राजस्थान रॉयल्स की टीम में जाना पड़ा, क्योंकि इनको रिटेन नहीं किया था आरसीबी ने, और अब वो राजस्थान रॉयल्स की नहीं खेलते।